हुमा, आपकी वो मूवी थी ना एक थी डायन, आपने बहुत नेचुरल एक्टिंग की उसमें, आप लग रहे थे डायन। हो गया। कल इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीक की शुरुआत में जज से मजाक करना पड़ा शांतनु को महंगा। हुमा वैसे मजाक कर रहा था। गाड़ी निकालो। तो मुझे नहीं लगा कि वो चली जाएगी। चली गई, क्या करेंगे? नहीं, आई एम गोइंग होम मैं। रमेश स्टॉप इट, इट्स नॉट फनी। चल उमंग, लेट्स गो। नो यार, स्टॉप इट यार। एंड कुछ ज्यादा ही हो गया ना, डायन 50 बार डायन, नेचुरल एक्टिंग डायन, आप डायन लग रही थी, बिल्कुल डायन लग रही थी। नो मींस नो। मैं सॉरी बोलूं जहां ऐसा कुछ करना है मुझे से लगता है, बट क्या सॉरी। आप टोल चैनल तो क्या, आप जाके बोलो ना, आप कुछ बात कर लो ना एक बार। मेरे को नहीं करना। यार ऐसे थोड़ी होता है यार। नहीं 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 हुमा, शांतनु का फेस। इसे कहते हैं इंडियाज बेस्ट ड्रामा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ुए कातिल में। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बड़ी मुझसे बस तो करता है, देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का। जो किसी के भी आगे झुका नहीं, हाँ मैं हूँ उस देश का। बैठ के ले नजारा स्ट्रेबल और बेस का।
थैंक यू सो मच. आप लोग सब प्लीज आकर बैठिए, एंजॉय करिए और हमें भी एंजॉय करवाइए. थैंक यू फॉर ऑसम डांसिंग. ये आजादी के दिन सास बहू को एक दूसरे से आजादी कैसे मिलेगी दिखाने आ रही है अकोला की शान स्निग्धा देशमुख और लुधियाना की ड्रामा क्वीन इनायत वर्मा और उनका साथ देंगी डांसिंग स्टार मासूम नरजारी. आज मेरे बेटे की शादी है, जजेस आप सब भी आइएगा. लिफाफा नहीं दिया तो चलेगा, पर स्टैंडिंग ओवेशन दे देना हा? हमारा काम बन जाएगा. शांतनु भैया आप भी शादी पर आ ही जाइएगा. ठीक है, आपके बिना तो शादी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि खाना सर्व भी तो करने वाला चाहिए ना. सही बात है. ओहो, शाम को बारात है और मैंने अभी तक डांस भी नहीं सीखा है. चलो बहुओं से सीख लेती हूँ जल्दी से. अरे कहाँ रह गई मेरी बड़ी बहू. माँ जी हो गई मेरी बुराई. बहू यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने, यही है तुम्हारे आदर्श, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन. माँ जी जया बच्चन जैसी हाइट लेकर क्यों अमिताभ बच्चन जैसी बातें कर रही हो? माँ जी आपका मूड क्यों खराब है? खराब ना हो तो क्या हो, आज सुबह से चाय तक नहीं पिलाई है तूने. माँ जी कब तक चाय पीती रहोगी? एक साल से घर में गंगा जल पड़ा है, उसे भी निकालने का मौका दो ना. बहू तू इंसान के रूप में क्यों जन्मी है? इतना विष भरा है तुझ में, नागिन की औलाद बन जाती. अरे रे 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 रे। चल हाथ, बहुत हुआ तेरा. मैं डांस तो सीखूंगी अपनी छोटी बहू से. अरे कहाँ रह गई? हाय हाय, ये तो बारात लेकर आ गई. कलियों जैसा हुस्न जो पाया, हर अदा में नूर है आया. तेरा जिससे पड़ गया पाला, अच्छे को गलत कर डाला. तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष, तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त. तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त. अरे बहू अपने पैर को नहीं मेरे पैर को छूना है. हाय 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 हाय, ये कैसी बहुएं मिली है मुझे. हाय मेरे भाग फूट गए. अभी तो भाग ही फूटे, अभी आप नाचिए तो सही, फिर देखो फर्श फूटेगा, जजेस का दिल टूटेगा, जी टीवी वालों का गुस्सा फूटेगा. बहू 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 सॉरी सॉरी माँ जी, मैं आपको और स्टेप सिखाती हूँ. सिखाओ. कल्पना नहीं की जाती. ये बी सी डी यानी बदी कैंट.
तालियां हो जाए सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू इनायत यार, मतलब आप तो अल्टीमेट हो यार। मजा आ गया, फैंटास्टिक। वेग भाई कैसा लगा? मैं दिल थाम के नहीं बैठा हूँ, मैं अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सांस तो सांस नहीं, किसके हाथ में आ गई सांस? एक तो सासू माँ, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। सबसे पहले तो मासूम, ओह माय गॉड, डांस तो आप करती ही बहुत अच्छी हैं, बट आज आपने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, सो कमेंडेबल। और ये हमारी जो पापा की परी, ये छोटी सी स्निग्धा है, ये तो इतना अच्छा करने लग गई है, कॉमेडी में तो क्वीन बन गई है ये। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग। यार ये इनायत इतनी बड़ी कब हो गई? इतनी बड़ी कब से हो गई? मुझे सास का रोल दिया, मैं बड़ी नहीं हुई हूँ मैं। मतलब मेरे ऐसे ना आंसू आने वाले हैं एक्ट देखने के बाद, मुझे इतना पसंद आया कि वो हंसी के खुशी के समझ नहीं आ रहा, क्या परफॉर्मर्स है यार ये लोग, क्या हाई एनर्जी वाला धमाकेदार परफॉर्मेंस था ये। थैंक यू, मेरा तो दिल आप तीनों ने जीत लिया यार। मैं तो बस पागल हो गया हूँ। I have gone mad on these three beautiful girls. ये ड्रामा नहीं था, कारनामा था। क्या बात है? मासूम। Yes sir. आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की दाद देनी पड़ेगी, मतलब कमाल है, टांग यहाँ से उठा के वहां ऐसे करती है वैसे करती है। अगर कोई हिंदुस्तान में क्या दुनिया में है जो आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में चैलेंज कर सकता है तो वो है मेरा दोस्त ओके। और आप अकेले नहीं हो? हाँ, मैं भी आ रहा हूं स्टेज पे। और यहाँ नहीं रुकते हैं, दो पांच यहां से दुखी पतियों को भी स्टेज पे लेके आते हैं ये करने। दुखी Everybody follow Masoom, okay? Okay. Yes, Masoom. ये तो बहुत इजी है। ओमंग आराम से कर सकता है ये। नहीं, पहले हम टेस्ट करेंगे इन लोग को, फिर बाद में मैं करूँ। चलो चलो, सारे पापा एक साथ करेंगे। टॉफी, टॉफी, टॉफी कर रहे हैं आप। ऐसे अब टांग उठाओ, टांग उठाओ, ये वो ऐसे 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 टांग उठा लो। अरे दोनों थोड़ी एक उठानी है। वेरी गुड, या जाओ पूरा, या जाओ जाओ, तो हाथ हाथ रखो, पूरा वेट मेरे पे मत रखो, हाथ रखो। नहीं 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 नहीं, अरे पूरा वेट मेरे पे मत रखो। हाँ नेक्स्ट। अरे लेकिन ये ओमंग सर, आज ये ओमंग सर करेंगे। बाबा। Oh no। Okay sir, Vivek sir. Go, सोना तालियां हो जाए ओमंग सर के लिए। Okay sir, Vivek sir. बहुत होगा होगा, थोड़ा सा बाकी, थोड़ा सा बाकी, थोड़ा सा, एक लास्ट है जो सबसे डिफिकल्ट होगा, वो होगा मेरे दोस्त शांतनु के लिए। हाँ ये ऊपर वाला, डूइंग 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 डूइंग। बाबा रे बाबा। आओ बेटा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बोल रहे आ जाओ, ये बोल रहे हो जाएगा। हुमा, अगर मैंने ये कर लिया तो आप मुझे क्या दोगे? फिर हम दोनों कॉफी पीने जाएंगे। Okay.
अब तो स्टेज पे आके कॉफी बोलना पड़ेगा. ओके, तो अब स्टेज देते हैं शांतनु और हुमा को. और सारी मम्मियां नर्वस हो रही हैं कि हुमा के ज्यादा पास पापा ना आए, तो आप लोग सब वापस जाइए. प्लीज जाइए, प्लीज जाइए. थैंक यू. तेरी मलू गुलाल रंग बता ब्लू या लाल एयर में तेरे उड़ते बाल आजा रंग दू दोनों गाल अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा बेबी के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके छिछोरे नाचे जमके रे हमारे देश की एक बड़ी यूनिक ताकत है हमारे ग्रंथ, जिनमें लिखी रावण और भगवान शिव के युद्ध की कथा मंच पर दिखाने आ रहे हैं मराठा वीरों की धरती पुणे से अनीश रॉयलकर, इंदौर के शेर ज्योत स्वरूप सिंह और डीआईडी लिल मास्टर के सबसे फ्लेक्सिबल डांसिंग स्टार तन्हय मल्हारा. यहाँ से तो किसे शिव गणकिनी बिना भोलेनाथ की अनुमति के कैलाश परी कौन आगंतुक आ गया. चुपा बैठे हो शिव शंकर. हे पथिक, आप कौन है और यहाँ कैलाश पर कैसा है? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि शिवगण के सिवाय यहाँ किसी भी प्राणी का ना निषिद्ध है? मेरे लिए कहीं भी आना जाना निषिद्ध नहीं है नंदी. हे भोलेनाथ, मैं प्राणों की रक्षा कीजिए प्रभु. यहाँ छुपे बैठे हैं तुम्हारे शिवशंकर. हे शिवशंकर, आंखें खोलो अपनी और देखो तुम्हारे सम्मुख कौन खड़ा है. आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए प्रभु. नंदी, कौन है ये प्राणी? हे प्रभु, इन्होंने बिना अनुमति के कैलाश पर आने का अपराध किया और रोके जाने पर मुझ पर प्रहार किया. हे वीर पुरुष, अपना परिचय दो. महात्मा पुलत्सिका पौत्र, महर्षि विश्रव का पुत्र, महाभाव वैष्णव कुबेर का छोटा भ्राता तथा सात द्वीपों का विजेता, लंका का स्वामी दशानन लंकेश तुम्हारे सम्मुख खड़ा है. हे लंकेश, तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं कैलाश पर अपना आधिपत्य चाहता हूँ ताकि यार तुम नहीं हमारे राक्षस बंधु विहार कर सके. और यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो अति शीघ्र कैलाश छोड़कर अपने गणों के साथ चले जाओ. और अगर मैं कैलाश छोड़कर ना जाऊं तो?
तो मैं तुमसे युद्ध करके तुम्हारा वध करके कैलाश पर अपना आधिपत्य स्थापित करूँगा। हे महादेव, ये मुड़ क्या बोल रहे हैं? कालों के काल महाकाल से युद्ध? प्रभु इसे ज्ञान दीजिए। प्रभु नंदी, ज्ञान तो उन्हें दिया जाता है जो अज्ञानी होते हैं। लंकेश तो महाज्ञानी है। केवल महाज्ञानी नहीं, महाबलशाली भी हूँ। यदि स्वयं की रक्षा कर सकते हो तो करो शिवशंकर। क्यों लंकेश, थक गए? विश्राम चाहते हो? रावण नित के समय ना ही थकता है ना ही विश्राम करता है। अब मैं अपने बाहुबल से तुम्हारे इस कैलाश को उठाकर समुंदर में फेंक दूंगा। हे महादेव, कुछ कीजिए, अन्यथा हम शिवकरण खा लेंगे। प्रभु मुझे क्षमा करे। प्रभु मुझे ज्ञान नहीं था कि मेरे समक्ष स्वयं प्रभु खड़े। अगर तुम इस पीड़ा से मुक्त होना चाहते हो तो वीणा बजाकर शिव की स्तुति करो। वीणा? जटाकटाह संभ्रमम्र मिन्निलिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलल्ललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षमम। प्रवाह पावितस्थले कलेवलं निलंबितां भुजंग तंग मालिकां
प्रभु आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे और आपका सानिध्य मुझे सदैव मिलता रहे। जोरदार तालियां हो जाए यार, फैंटास्टिक, अमेजिंग यार, अमेजिंग, तने ऑसम। सब जानते हैं रावण का नाम रावण है, लेकिन रावण का नाम रावण कैसे पड़ा? तो पहली बात तो यह है कि यहां से रावण को ज्ञान हुआ कि शिव की शक्ति क्या है और वो शिव के भक्त बन गए। लेकिन रावण का नाम इस क्षण तक रावण नहीं था, उसका नाम लंकेश दशानन ये नाम से जाना जाता था। रावण का मतलब यह है जिसने कुहार लगाई, जिसने जोर से चीखा। इस क्षण से जब शिव ने अपने लिटिल टो से, मतलब अपने पैर की सबसे छोटी अंगुल से, उंगली से दबाए कैलाश को और रावण के हाथ दब गए और खून निकला हाथों से, तब जो उसने कुहार लगाई, जो चिल्लाई, तब से उसका नाम रावणा पड़ा। तो ये चीज एक आपको मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में। जोरदार तालियां हो जाए वेग भाई के लिए। इस परफॉर्मेंस के लिए शाबाश, झकास, बिंदास, पंडू क्लास, ड्रामेबाज। तने फैंटास्टिक, वेलकम टू इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। और हंगामा किया यार, फैंटास्टिक, रियली रियली हैप्पी फॉर यू। अनीश, वो जो रावण की एक अकड़ थी, वो एरोगेंस थी, वो एक क्षण के लिए भी हिली नहीं। आई लव दैट बेटा। थैंक यू सर। ज्योत, इस स्टेज पे आज जो आपने परफॉर्मेंस किया, फैंटास्टिक। आज 4-5 साल की उम्र में शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो हिंदुस्तान में जिसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतने बड़े मंच पे ऐसे डायलॉग डिलीवर किए। कंग्रेचुलेशन ज्योत, फैंटास्टिक। थैंक यू सर। शेर कब बनोगे मुझे पता नहीं है, लेकिन आज स्टेज पे परफॉर्मेंस के शेर तो आप थे। हिंदुस्तान में तो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है, यू नो, परफॉर्मिंग आर्ट्स का। हम विदेश जब ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे ब्रॉडवे शोज होते हैं, बड़े बड़े म्यूजिकल्स होते हैं। आई थिंक ये जो परफॉर्मेंस था, ये आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। वाओ, बिग कॉम्प्लीमेंट यार। थैंक यू मैम। बच्चा पार्टी, आप सबके लिए मेरा दिल ले लो। बहुत 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 ही बढ़िया शो था ये। मतलब शो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें डांस था, परफॉर्मेंस थी, एक्टिंग था, ड्रामेटिज्म था, यू नो, और छोटी छोटी बातें थी, फुल पावर पैक्ड परफॉर्मेंस था। मेरे लिए ये ड्रामा नहीं था, कारनामा था। कारनामा था। क्या बात है यार, आपको मिलता है सुपर डुपर हिट। बच्चे लोग बताओ, कौन बताएगा अच्छी आदत? कौन 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 कौन? यस, जो चुरू बताओ। गांधी जी ने कहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलके भाई भाई, हम सबको मिलके रहना चाहिए। और मैं सबको जोत वाली झप्पी देना चाहता हूँ। आहा, क्या स्वीट सा थॉट है, हम सबको मिलकर रहना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो बस इसी थॉट के साथ हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अगले ड्रामेबाज को। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए तो आप सबसे तालियां बजवाने आ रहे हैं दो दो बिहारी बाबू, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज सीजन 2 के कॉमेडी किंग
कार्तिकेय राज और इस सीजन में भी कॉमिक टाइमिंग का उस्ताद हर्षराज लकी विद डांस की मास्टर और एक्टिंग की मास्टर ब्लास्टर दीपाली बोरकर। हे काली माता, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं मांगती हूँ कि मेरे करण अर्जुन को वापस लौटा दे माँ, वापस लौटा दे। और मैं जानती हूँ कि तू मेरी पुकार सुन लेगी माँ, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, रायता फैलाएंगे, लाला से मेरा कंगन छुड़वाएंगे। करण अर्जुन, माँ माँ खान। तुझे अर्जुन को ढूंढने भेजा था बेटा। माँ, मैंने पता लगा लिया है, अर्जुन तेरा बेटा नहीं, बोनी कपूर का बेटा है, अर्जुन कपूर। अरे गधे, बप्पन का बेटा अर्जुन कपूर है। मैं अपने अर्जुन गुप्ता की बात कर रही हूँ। मेरा अर्जुन आएगा, धरती का सीना फाड़ के आएगा, आसमान की छाती चीर के आएगा, मेरा अर्जुन आएगा। बस 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 माँ, अपने औलाद की एंट्री के लिए पूरे पाताल को फाड़ देगी क्या जाए 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 एक बार जो जाए जवान फिर ना आए। जोरों की भूख लगी है, बहुत दिनों से तेरे हाथ का कुछ खाया नहीं है। तेरे बच्चे ये खाले और खाले, अपने भाई के हाथ का भी खाले। हर्षराज, कार्तिकेय राज, अबे दोनों बिहार को एक साथ ड्राइव बाद में बुलाया बे। हाँ, जिया है बिहार के लाला। अरे जिया तू हजार में बस हम थप्पड़ खाने आते हैं भाई। मम्मी, इस बुड्ढी ने मेरे को फिर से मारा। अपनी अम्मी जान से ऐसे बात करते हैं क्या? तब कहाँ था जब अम्मी जान लोगों के घर जूठे बर्तन धोती थी? तब कहाँ था जब अम्मी जान हमारे फटे हुए कच्चे सिलती थी? मैंने कब फटे हुए कच्चे सिले? तो सिलती क्यों नहीं बुढ़िया? कितने हफ्तों से फटे हुए कच्चे पहन के घूम रहा हूँ, दिखाऊं? माँ से बेइज्जती से बात ना करो। अबे तू कौन है ऐसे बोलने वाली? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? सब कुछ तो तू ले गया, मेरे पास क्या रहेगा? कद्दू? क्या बेटा, गाड़ी बंगला, आज से मैं तेरे साथ रहूंगी बेटा। मुझे अपने बेटे से पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती? जब लाला से पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आई तो तुम दोनों तो अपनी औलाद हो। और भूलो मत कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम लोग क्या नाच दिखाओगे? नाच तो तुम्हारी माँ दिखाएगी। म्यूजिक ड्रामा मचाते हंगामा लड़ाई
जोरदार तालियां हो जाए। तीन पागल लोग स्टेज पे, एक पूरा पागल एक्ट, हाई एनर्जी था, बहुत मजेदार था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा, कार्तिकेय राज के आने से इस मंच पे एक थोड़ा पड़ गया भारी। वो जो टाइमिंग कार्तिकेय राज ने मास्टर की है, वो टाइमिंग आप थोड़ी बहुत सीख सकते हो उनसे। बाकी सब सुपर्ब था, मजेदार था और वेल डन। आप तीनों ने जो आज एक्टिंग करी है वो तो नंबर वन है। थैंक यू मैम। एंड कार्तिक, मैंने आपको फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज परफॉर्म करते लाइव देखा है, तो मैं तो आपकी फैन बन गई हूँ यार। थैंक यू, थैंक। एंड आई विश, काश आप हमारे इस सीजन के पार्टिसिपेंट होते तो मैं आपको हर हफ्ते मिल पाती और आपकी परफॉर्मेंसेस देख पाती, बिकॉज यू आर सो सो गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कॉमेडी एक्ट था, हम हंसे बहुत जोर से हंसे, कहीं कहीं पंच नहीं लैंड हो पाए प्रॉपरली। ओके, ओवरऑल एन एंटरटेनिंग एक्ट। तो यार मेरे तरफ से है सुपर डुपर हिट। मेरी तरफ से है सुपर हिट। ओके, और हम आपको देते हैं सुपर हिट। मैं बताता हूँ आप लोगों को, एक्चुअली मैं दिखाता हूँ कि जब HRL यानी कि हमारा हर्षराज लकी और कार्तिकेय मिले तो क्या हुआ। अच्छा, देखते हैं। अरे वाह। जब मैं कार्तिकेय भैया को टीवी पे देखता था तो मैं उन्हें बहुत फॉलो करता था, तो मेरे को लगता था कि मैं भी कार्तिकेय भैया की तरह एक बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा। उन्हें देख देख कर मैंने एक्टिंग सीखी है ज्यादा कर। हर्ष बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और वो भी किलकारी से और मैं भी किलकारी से हूँ। मैंने उनके काफी सारे एपिसोड देखे, बहुत ही अच्छा कर रहे हो और वो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। रेडी? चलो चलो। कैसा है? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक। मेरा ड्रीम था कि कार्तिकेय भैया के साथ मैं एक्ट करूं, तो अब मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। आप लोग देखना, हमारा एक सबसे बेस्ट होगा। क्या बात है! ओला! अरे 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 HRL, बहुत बहुत कम चांस मिलता है एक एक्टर को अपने स्क्रीन आइडल से, जिसको वो मानता है, उसके साथ में ही एक ही मंच पे साथ में परफॉर्म करने का। कैसा लगा आपको? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कार्तिकेय भैया के साथ एक्ट करने में। कार्तिकेय राज, सीजन टू में जब आप इस मंच पे हमसे कमेंट सुनते थे, कभी लगता था कि कोई एक ऐसा बच्चा आप ही के बिहार में बैठा है और कह रहा होगा टीवी देखकर कि मुझे इसके जैसे महान एक्टर बनना है? सर, ऐसा तो कभी मैंने नहीं सोचा था। इसमें इस शो में आने के पहले मैं जानता हूँ, तो उसने मुझसे एक दिन कहा कि भैया आप कैसे गए थे शो में? मैंने इसका कि तू एक्टिंग ज्वाइन कर, फिर उसका ऑडिशन आएगा, तू ऑडिशन देना। तो मुझे विश्वास नहीं था कि इसका हो जाएगा, क्योंकि ये मस्ती बहुत करता था उससे। तो अचानक से जब मुझे पता चला कि इसका सिलेक्शन हो गया ड्रामाबाज में, तो मेरी तो आंखें खुली ही रही, कैसे हो गया भाई? कैसे हो गया? सरप्राइज हो गए थे। चलो, थैंक यू सो मच, जय बिहार। आइए बैठिए एंड एंजॉय कीजिए शो को। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए। देखा आपने, ड्रामेबाजी के फैन टीवी तक आने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अगर आप भी अपने नटखट नौटंकीबाज को टीवी पर देखना चाहते हैं तो उनकी ड्रामेबाजी का एक छोटा सा वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए और हम उन्हें लेकर आएंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। और अब मुझे बताओ कि कौन बताएगा अच्छी आदत, कौन कौन कौन? एंजेलिका, आप बताओ। हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है,
तो हम प्लांट्स ग्रो करेंगे तो हमको ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, यही अच्छी आदत है, हमको ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करना चाहिए। वाह वाह, वेरी नाइस अंजलिका, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट, प्लांट ट्रीज एंड सेव नेचर, क्योंकि ये एक अच्छी आदत है और इसी अच्छी आदत के साथ हम आगे बढ़ाते हैं अपने शो को और बुलाते हैं अगले ड्रामेबाज को। देखिए फिल्म राम लखन को हमारे ड्रामेबाजों की नजरिए से, विद आंसू की टंकी, जोया शाह खाने के दीवाने श्री शाह और ड्रामेबाजी के बड़े मियां प्रीजोत सिंह। हेलो, हाय, मैं वो औरत हूँ जिसकी जिंदगी में कभी सुख आया ही नहीं। छोटी थी तब पति छोड़कर चले गए। अबे हंस क्या रहा है? हाइट में छोटी थी तब पति छोड़कर चले गए। दो बेटे हुए वो कुंभ के मेले में खो गए। आज मैं रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ, कुछ गुंडों ने मेरा पीछा किया, मुझे परेशान किया। अरे कोई है, कोई है? तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया। अपुन का बच्चा है तो अपुन का बच्चा, अपुन का बच्चा है तो अपुन का बच्चा, अपुन का बच्चा है तो अपुन का बच्चा। अरे अपुन का बच्चा तो टाइगर है, ये तो हर्ष का बच्चा है। अबे हर्ष पकड़ना, बे तेरा बच्चा लीक कर रहा है, अबे पकड़ना। बेटा आपका जच्चा बच्चा हो गया हो तो इधर आइए, मुझे रिपोर्ट लिखवानी थी। अपुन का बच्चा है तो अपुन का बच्चा, अपुन लिखेगा रिपोर्ट, बोल मेरा बच्चा। बेटा एक्टिंग भले सही से नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, कम से कम रिश्ते तो सही कर ले। उम्र के हिसाब से मेरा बच्चा है तू। बोल क्या नाम है तेरा? क्या बात है? ये क्या, एक थाने में दो दो इंस्पेक्टर? शो में तीन तीन जजेस बैठे, तब आवाज नहीं निकली तेरी। आवाज निकले ना निकले, जैसी तू बातें कर रहा है ना उस हिसाब से शो से जरूर निकल जाएगा। एकदम झकास। ए मौसमान औरत, तू क्या रिपोर्ट लिखाएगी? चल नाम बोल। नीलम। अरे इतना सस्ता नाम, इससे अच्छा तो पुकरा जो मोती रख लेती। हाँ हुआ क्या बोलो? आज मेरे बच्चे खोए ना होते तो तुम जितने होते। ए राम, खोए की बर्फी सुनी थी, इसके तो बच्चे भी खोए गए बिड़ो। ए राम, इनसे पूछना कि इसके बच्चों का स्वाद कैसा था। अरे यार राम, तू बहुत फनी है। लखन तू भी यार। राम लखन कितना प्यारा नाम है। तो तू रख ले बड़ू, हम कोई दूसरा रख लेंगे। चलो अब बैक बैक। हाँ अभी सीरियस हो जाते हैं। एकदम झगड़ास। वैसे आपके बच्चे कहाँ खोए थे, खबरदार। कुंभ के मेले का नाम लिया तो एकदम झकास। वैसे भी तुम जैसी 70s की माँ अपने बच्चे को कुंभ के मेले में तो खो देती हो। नहीं, मेरे बच्चे सिनेमा हॉल में खोए थे।
थैंक गॉड ब्रू, इसके बच्चे सिनेमा हॉल में खोलते हैं। वैसे सिनेमा हॉल में कैसे? अरे फिल्म में कुंभ के मेले का सीन आया और वो घूम गए। अरे मैं भी सिनेमा हॉल में बिस्ता था यार, एकदम झकास। ए भाई अपुन को काहे को भूल गया? सॉरी सॉरी, हम दोनों राम लखन पिक्चर देखते वक्त बिछड़ गए। अपुन के पास आज भी वो आधी टिकट है। और जिसके पास ये आधी टिकट होगी वही अपुन लोगों की माँ होगी। बच्चों आधी टिकट मेरे पास है। पिताजी कहाँ है, उनकी कोई निशानी? बच्चों तुम्हारे पिताजी इंटरवल में पॉपकॉर्न लाने गए थे, आज तक नहीं आए। और उनके कोई निशानी तो नहीं बेटा, पर उनकी पूरी की पूरी फोटो अपने पल्लू में लेके घूम रही हूँ बेटा। पिताजी माँ, पिताजी तो बिल्कुल झकास दिखते थे माँ, तेरे को कैसे मिल गए माँ? पिताजी मिल गए। क्या जगास? सुनिए आइए अपने बच्चों से मिलिए। जाइए 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 जाइए। ये दोनों मेरे बेटे हैं क्योंकि इन दोनों के पास मूंछ है। थैंक यू। क्या मस्त खेला है बिड़ू, बहुत मजा आया, बहुत फनी एक्ट था, दोनों की टाइमिंग बहुत अच्छी रही। एंड रोया कहाँ चली गई यार रोया? बहुत हंसाया, थैंक यू सो मच, सुपर एक्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शाबाश, झकास, बिंदास, पंडू क्लास। मेरे तरफ से है सुपर डुपर हिट। आप तो बोलोगे ही पापा, आपके तो राम लखन है, आप तो सुपर डुपर हिट दोगे ही। बट मुझे नहीं लगता कि ओके सर और मेरा जजमेंट कुछ डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ये पागलपन वाला एक्ट था, एकदम पागलपन। एंड वी वर ऑल डांसिंग विथ यू, वी वर ऑल एंजॉयिंग विथ यू, आप तीनों की टाइमिंग, एवरीथिंग वॉज जस्ट एकदम बिड़ो। थैंक यू मैम। बच्चा बच्चा जानता है कि ये एक्ट तो भाई ड्रामा दाई नहीं बच्चा, ये तो कारनामा दाला, सुपर डुपर हिट। सुपर डुपर हिट। We'll be right back.
शुक्रू, ये परफॉर्मेंसेस देखकर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे इन तीनों का अभी अभी फोटोग्राफ खींच के उस पे ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए। तो नेकी और पूछ पूछ भाई, अभी मैं निकालता हूँ अपना फोन HP स्मार्ट ऐप से, सीधा फोटो खींचता हूँ इनकी एंड और अभी इसे प्रिंट के डालता हूँ प्रिंट पे और आ जाएगा अभी प्रिंट, एक मिनट। और प्रिंट के साथ में प्रिंटर भी लेकर आए हो आप तीनों के लिए, आप लोगों को मिलता है HP इंक टैंक प्रिंटर। क्या बात है, आप प्रिंट कर बेफिकर, प्लीज आप लोग अपने ऑटोग्राफ दे दीजिए प्लीज। और अब प्रिंट बेफिकर। डांस मेरे लिए फ्रीडम को फील करने का बेस्ट तरीका है। खुश होता हूं तो डांस करता हूं, अगर उदास होता हूं तो खुश होने के लिए डांस करता हूं। मेरे लिए या किसी भी डांसर के लिए डांस का रियल मीनिंग क्या है ये दिखाने आ रही है एक्टिंग प्लस एक्सप्रेशन प्लस डांस का कंप्लीट पैकेज दीपाली बोरकर। होली सूरत और शराफत की मूरत, पहाड़ी बाबू सोहम वर्मा और डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स की मोस्ट पॉपुलर स्किपर वैष्णवी पाटिल। क्या बात है, ऋषि कैसा था आज का दिन? क्या हुआ ऋषि? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी डांस क्लास कैसी रही? जैसे रोज होती है, अच्छी हुई प्रैक्टिस, और अगले महीने कंपटीशन है, वैसे चक्कर वगैरह आ जाते? हाँ चक्कर से याद आया, मेरी रिपोर्ट्स आई है ना? तुम्हारी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई है। क्यों झूठ बोल रहे हो ऋषि, यही तो है मेरी रिपोर्ट्स। अरे तुम्हारी रिपोर्ट्स नहीं है। ऋषि मेरा नाम भी लिखा है सांझ, रुको एक मिनट। ऋषि क्या सच में मुझे कैंसर हुआ? सांझ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या सच में मेरे पास सिर्फ एक महीना बचा है? सांझ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम कीमोथेरेपी से बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कहाँ जा रही हो सांझ? कंपटीशन की प्रैक्टिस करने, समय बहुत कम बचा है कंपटीशन का, और मेरा भी, मैं ये कंपटीशन जीतना चाहती हूँ। ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। सांझ 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 सांझ, ये बिल्कुल आसान नहीं होगा सांझ। जीवन की सबसे बड़ी खुशी आसान कामों को करने में नहीं है, मुश्किल कामों को
आसान करने में है। अगर यही बात है तो इस सफर में तुम अकेली नहीं हो। मैं तब तक तुम्हारा हाथ थामूंगी जब तक तुम अपनी मंजिल को पा नहीं लेती। किस लम्हे ने थामी उंगली मेरी, फुसला के मुझको ले चला, नंगे पाओ दौड़ी आंखें मेरी, खाबों की सारी बस्तियां। आई एम प्राउड ऑफ यू सांच। तुम्हारा कल कॉम्पिटिशन है ना, तो आज तुम्हारे लिए मैं एक गिफ्ट लाया हूँ। पहले अपनी आंखें बंद करो। ऋषि, तुमने मेरी ये इच्छा तो पूरी कर दी, अब दूसरी इच्छा भी पूरी कर दो। बोलो सांच, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मेरे साथ डांस। सांच, तुम्हें पता है ना मुझे डांस नहीं आता। ऋषि, एक आखिरी बार। कॉम्पिटिशन के विनर है सांझ और वैष्णवी। सांझ, सांझ उठो, सांझ अपनी आंखें खोलो, सांझ, सांझ, सांझ उठो, सांझ, सांझ अपने आगे बोलो, सांझ, 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 सांझ। मैं इतने जल्दी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी ऋषि। और इस तरह सांझ ने कंपटीशन और जिंदगी दोनों जीत ली। मुझ में कहीं बाकी थोड़ा
जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लो जरा मर जाओ या जी लो जरा खुशियाँ चूम लो या लो लो जरा आज आज ये खास इस मंच पे एक्ट देखकर मुझे हमारी दोस्त हमारी सीजन वन से साथी को जज आज सोनाली की बहुत याद आ रही है और मैं रोज प्रे करता हूं उसके लिए और जितने लोग देख रहे हैं अपने घर पे यहां मैं सबसे यही कहूंगा कि सोनाली के लिए रोज प्रे कीजिए बस एक्ट अमेजिंग था इनक्रेडिबल था थैंक यू मैं नॉर्मली इतने इजली रोती नहीं हूँ बट दिस एक्ट इज जस्ट मैं कुछ बोल के ना इसको छोटा नहीं करना चाहती ओके बिल्कुल उमंग सर नो वर्ड्स एट ऑल एक्ट बहुत बढ़िया था इट वाज फैंटास्टिक बट समवेयर आई वांटेड टू दिस एक्ट नॉट टू हैपन दीपाली आप तो घुस गए इस रोल में इस तरह कि आप एक्ट खत्म होने के बाद भी रो रहे थे और हम आपके साथ में रो रहे हैं बिकॉज आप परफॉर्म नहीं कर रहे थे आप जी रहे थे उसको फैबुलस एंड व्हाट एल्स टू से स्कोर्स जजेस सुपर डुपर हिट Thank you so much. Thank you. शहीद भगत सिंह ने कहा था कि आजादी मेरी दुल्हन है आजादी के जश्न में दिल वाले बनकर दुल्हन ले जाने आएंगे राजपूतों की धरती राजस्थान से बातों के बादशाह गर्वित पारेख आसाम की शुभांगी मंजीत और हमारे डांसिंग स्टार योगेश शर्मा लंदन से अपने सपनों का राजकुमार ढूंढने इंडिया आई हूँ पता नहीं वो मुझे कब मिलेगा भैया आप तो वैसे भी रस की एक कराई पे पा
पानी फेरते तो आज नहीं फेरोगे? वैसे भी बड़े बड़े शोज में चढ़े चढ़े एंकर तो होते रहते समरीटा। तुम नहीं समझोगी, आई एम राज। अरे राज नाम तो सुना ही होगा। क्या हुआ? गुड़गुड़ाता है सिमरन, तुम नहीं समझोगी। वाह, तुम्हारे पास गिटार है? तुम्हें म्यूजिक से प्यार है? म्यूजिक इज माय प्रेशर। प्रेशर नहीं पैशन होता है। अरे मेरा प्रेशर है, बिना म्यूजिक के मेरा प्रेशर ही नहीं बनता। पापा ने कहा था कि ऐसे जोक मारने वाले से दूर ही रहना, नहीं तो होमवर्क करने वापस घर जाना पड़ेगा। अक्कल है मुझसे, प्यार करती होगी तो पलट के देख। पलट पलट। अरे जजेस देख रहे हैं, प्लीज आंटी पलट। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। सिमरन देख, माए बापूजी से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। आजा परदेसी तेरा देश बुलाए, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। खाओ 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 गुटरुगु, खाओ गुटरुगु, खाओ गुटरुगु। अरे कुछ पाओ तभी तो खाऊंगा। सिमरन कौन है ये और यहाँ क्या कर रहा है? बेटी का हाथ मांगने आऊं? ओए तेरी इतनी हिम्मत? हिम्मत ना, बचपन से बड़ा दिल दे रू। अरे एडलर आज मेहंदी लगा के ही जाएगा। ओ वाव, बापूजी मुझे अपनी बेटी का दे दीजिए, बापूजी मुझे दे दीजिए प्लीज। ये नहीं हो सकता। क्यों क्यों क्यों? जानना चाहते हो क्यों? सिमरन लोगों के पास हैंसरी फोन दिए, तुमने हैंसरी पापा रखे हुए। अपनी जुबान को लगाम दे वरना हाथ से मुंह धो बैठेगा। वैसे मुझे धोने से आता है बापूजी, धोने का क्या प्रोसेस है? नो प्रॉब्लम, उसका इंतजाम मैं करता हूँ। अरे तेरा बापूजी के साइज के हाथ फेंकना। अरे थोड़ा आराम से भाई। ओए मिरिकल मिरिकल, ये मेरा स्टाइल है। आ राज वाह, मेरे हाथ आने की खुशी में मैं लगे हाथ मेरी बेटी का हाथ भी तेरे हाथ में देता हूँ। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये तो खुशी का माहौल है भाई, इसमें तो डांस होना ही चाहिए। और आज साथ में मैं भी डांस करूंगा। प्रेमी है दीवाना है पागल है। रूल सारे ब्रेक करो, जो कभी ना किया वो करो, पार्टी करने का मूड के विचार होने चाहिए। रैंबो फिर शुरुआत, हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए, चार शनिवार होने चाहिए, हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए। चार
मनन जा, जी ले अपनी जिंदगी, मोगैम्बो खुश हुआ। क्या बात है यार, क्या बात है, जोरदार परफॉर्मेंस के लिए थैंक यू, जोरदार तालियां यार। योगेश यार तुम क्या डांस करते हो यार, किलर मैन, क्या है ये, उफ, बाप रे, अनबिलीवेबल, और इसके एक्सप्रेशन, इसके आईज, सुपर्ब, सुपर्ब, थैंक यू सर, अमेजिंग, हाँ, अमेजिंग। शांतनु भैया ये तो कुछ भी नहीं था, इससे अच्छा जब मैं वहाँ था तब मैंने और भी अच्छा डांस किया था। हफ्ते में चार शनिवार होने जाए हैं। उमंग सर जब मैंने सबसे पहले एड किया था तब आपने एक डायलॉग पूछा था कि लड़की आपको तंग करती है। हाँ हाँ तो तंग करती है? नहीं अब नहीं तंग करती, मैं लड़कियों के साथ खेलता ही नहीं हूँ, मुझे खेलने का टाइम कम मिलता है। क्या बात है मेरे छोटे शाहरुख खान, सुपर्ब परफॉर्मेंस आपका। योगेश आपका परफॉर्मेंस सुपर 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 हिट था। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एंड स्पूफ था डीडीएलजी पर, एंड शोले के संजीव कुमार जी आप बने थे। क्या फैंटास्टिक ट्विस्ट ले आए, शॉल जब खुला हाथ उड़े, क्या क्या ट्विस्ट लेके आते हैं मेंटो, और कहाँ कहाँ से कहानियां चुन के ला रहे हो, बट ओवरऑल फैंटास्टिक एक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। योगेश गर्वित एंड शुभांगी के साथ आप जो परफॉर्म कर रहे हो आपको कैसा लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप जैसे देख रहे हो कितना शांत बच्चा है, आपको दिख रहा है बहुत ही शांत बच्चा है हमारा। सर आपको भी दिख रहा होगा मैंने एक हफ्ता कैसे कैसे निकाला है इसके साथ, तो मैं ही बता सकता हूँ आपको, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। हाँ सर आपको मस्ती बहुत करता है, पर जब डायलॉग की बारी आती है तो बहुत जल्दी कर लेता है डायलॉग, और अपने साथ में याद तो करता ही है, सबके भी करके आ जाता है। एक्ट बहुत मजेदार था, आप दोनों ने बहुत अच्छा किया, क्यूट एक्ट था, पागल एक्ट था, ऊपर से फूल बजाए हाथ बरस रहे थे, कुछ भी हो रहा था, बट फिर भी एंटरटेनिंग था और इंटरेस्टिंग था। शुभांगी जो एनर्जी है आपकी अमेजिंग, यू आर फैबुलस, एंड ये जो गर्वित है ये तो है ही फैंटास्टिक यार, सो सुपर्ब, मेरी तरफ से ये एक्ट है सुपर हिट। ओके मेरी तरफ से ये एक्ट है सुपर डुपर हिट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और मेरी तरफ से ये एक्ट है सुपर हिट। थैंक यू सर। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों की, अब हमारे पास एक हीरो भी है विलन भी है, तो क्यों ना कुछ कंपटीशन हो जाए, डायलॉग कंपटीशन। अरे बाबा जुगलबंदी टाइप की हो जाए। रेडी हो योगेश? हाँ। शुभांगी थैंक यू एंटरटेन करने के लिए, थैंक यू सो मच, प्लीज आ जाकर बैठो। ओके तो पहले योगेश एक डायलॉग बोलेगा, करे फिर गर्वित आप, फिर एक हीरो वाला डायलॉग बोलोगे। 1 2 3 गो गो। ललिता काम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटिया खेलता हूँ गोटिया। मेरा नाम गरविता पारिक है, हम तुम्हें इतने छेद कर देंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि सांस कहाँ से लो कहाँ से। पचास पचास कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो योगेश आ जाएगा। साइलेंट हो जा नहीं तो वायलेंट हो जाऊंगा। अरे कुछ भी करने का लेकिन जयकांत सिकरी का ईगो हर्ट नहीं करने का। ये मेरा आईबीडी है, मैं इस आईबीडी का जयकांत सिकरू, आली रे आली आता तुझी बारी आली। आऊ मैं तो एक नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ, आऊ मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, मारून धवन अंबे दिखता बड़ा स्वीट स्वामी सना, लेकिन ना वहाँ पड़े तूफान।
थैंक यू गर्वित, थैंक यू सो मच सर। मैम सर, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा एक हुक स्टेप करो। ओके हाँ, तो आ जाइए स्टेज पे। मैं तो आने को तैयार हूँ। क्या है स्टेप बताओ? ऐसा करेंगे, करके दिखा। हाँ। ऐसा वन किया। हाँ। टू। हाँ। ये कर। क्या था ये? क्या था करंट लगा सको। यस। ओके लेट्स गो। हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए, हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए, हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए योगेश के लिए, हमारे जजेस के लिए एंड गर्वित के लिए भी। आज आपने देखा है सीजन टू और सीजन थ्री के ड्रामेबाजों की नौटंकी। तो विवेक भाई, आप बताइए, मतलब अब इन दोनों सीजन के लोग जो आए, तो आपके फेवरेट कौन है? यार सभी मेरे बच्चे हैं, मेरा ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, बट आज कुछ अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस हुए, इमोशनल कॉमेडी सब मिला के। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इंडिपेंडेंस डे पे हम क्या बात सेलिब्रेट करते हैं, यही कि हम देश की अलग भाषाओं से, अलग प्रांतों से, अलग कास्ट क्रीड कलर से आते हैं, बिल्कुल, और उसके बावजूद एक मंच पर एक हो जाते हैं। और आज इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज वैसा ही था, कुछ अमेजिंग सुपर डांसर्स थे हमारे पास में, कुछ इनक्रेडिबल सीजन टू के एक्टर्स थे, परफॉर्मर्स थे, विनर्स थे, सब ने मिलके इतना बढ़िया काम किया। आज ये मंच पे तो उन्होंने चार चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच हुबा। आई एम श्योर आपको तो प्रेजेंट सीजन ही पसंद है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। सीजन टू के बच्चों ने हमें बहुत, मतलब दे मेक अस रियली प्राउड। हाँ। बट टू बी फेयर, आई थिंक सीजन थ्री के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। And they're very good and they're very talented. और अब मेरे favorite तो season 3 के बच्चे। Very nice, season 3 के बच्चे favorite हैं हुआ के। इन्होंने season 3 के बच्चों की side ली है। हाँ। ये तो गलत बात है यार, फिर season 2 के बच्चों की side कौन लेगा? फिर मुझे लेनी पड़ेगी। अरे। ठीक है, तो मैं season 2 के बच्चों की side लेता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ सीजन थ्री बेहतर है, फैंटास्टिक है, नया है, बढ़िया है। दोनों सीजन थ्री के, सीजन टू के अच्छे हैं, मगर सीजन थ्री के बहुत अच्छे हैं यार। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक कंपटीशन करके देख लेते हैं, क्या बोलते हो? हो जाए कंपटीशन। मैं बच्चों को सिलेक्ट कर लेता हूं, तमन्ना और कार्तिकेय राज। तो हम सीजन टू आ जाइए मंच पर, और श्रीशा और स्निग्धा आप आ जाइए स्टेज पर सीजन थ्री को रिप्रेजेंट करने। कम ऑन स्वस्ति, आप विनर थी तो आपका तो हक बनता ही है। एंड सीजन थ्री से हर्षराज लकी आ जाइए आप। मैं आप लोगों को रूल समझा दूं, आपके सामने बोल में रखा है आटा, आप लोगों को दिख ही रहा है, आप लोगों को इसके अंदर अपना मुंह डालना है, यस, और कॉइंस निकालने। ऑल द बेस्ट गाइस, गेट सेट गो। कम ऑन, वेरी नाइस वन, कम ऑन सीजन थ्री, हाथ नहीं डालना। हाँ, चीटिंग चीटिंग। हर्ष हाथ नहीं। कवाल कवाल भाई। सीजन थ्री। हनुमान बन गया तू तो यार, निकाल तो सही। सीजन थ्री। सीजन थ्री। हाँ, तमन्ना, आई सॉ यू, हाथ से निकाल रहे हो? नहीं।
शीशा को लग रहा है एक ही है। तमन्ना अभी सिर्फ आटा गूंदो, आप आटा गूंदो बस। तो चलिए टाइम्स अप। हाँ तो चलो भाई अब डिसाइड होगा कि कौन है बेटर, सीजन 3 वाले या फिर सीजन 2 वाले। गिनो गिनो गिनो। सीजन 2 आप अपने कॉइन सबमिट करिए। 1, 2, 3, 4 और कोई मुझे नहीं छुएगा। 5, 6, 7, 8 सीजन 2 ने चीटिंग की है। 1, 2, 3, 4 प्लीज छुओ मत मुझे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सभी बच्चे सुनो, जब मैं 1, 2, 3 बोलूंगा शांतनु भैया को हग करना सब लोग। 1, 2, 3 पकड़ो पकड़ो पकड़ लिया। आजादी पाने के लिए साहस तो चाहिए ही, उसे बचाए रखने के लिए भी उतनी ही हिम्मत चाहिए। यही साबित किया कश्मीर की रुखसाना कौसर ने। रियल लाइफ की अनसंग हीरो रुखसाना कौसर की ये सच्ची कहानी जनहित में जारी करने आ रहे हैं अनीश रॉयलकर, एंजेलिका पिपलानी, सोहम वर्मा और सीजन 2 की विनर स्वास्ति नित्या। और अब सुनिए समाचार। इस साल अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। पूरे देश में अच्छी फसल होने से किसानों में उमंग की लहर और जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में एक घुसपैठ की कोशिश करने वाले 4 आतंकवादियों को भारतीय सेना के जवानों ने ढेर किया। क्या बात है, आजकल तो बड़ी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। एजाज रुक, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू बहुत बदमाश हो गया, चल। अगली बार तूने मुझे ऐसे डराने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा भाई है। सिर्फ कोशिश ही नहीं की, डरा भी दिया। अम्मी जान देखिए ना, ये हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। एजाज बिल्कुल डरपोक नहीं है मेरी रुखसाना। आतंकवादियों की गिरफ्त से सही सलामत लौट कर आई है मेरी बेटी। देखिए ना अम्मी जान, ये फिर भी मुझे डरपोक कहता है। कौन क्या कहता है उससे तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए रुखसाना। तुझे तो बस हर पल हर वक्त एक चट्टान की तरह मजबूत बने रहना है। डर का खात्मा उससे भाग कर नहीं, उसका सामना करके किया जाता है रुखसाना, जैसे तूने किया है मेरी बच्ची। अबू आ गए। अबू अबू अबू, आज फिर आपको लौटने में इतनी देर हो गई ना। आपसे कितनी बार कहा है कितनी देर रात तक घर से बाहर मत रहा कीजिए। अरे मेरी शहजादी, अगर मेहनत नहीं करूंगा तो पैसे कैसे आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो धूमधाम से मेरी रुखसाना का निकाह कैसे होगा। अबू आपको भी ना बस मेरे निकाह की पड़ी रहती है। आप भी ना हमेशा क्यों ये बात छेड़ते रहते हैं। सुनिए खाना लगा दीजिए। जी बस एक मिनट रुखसाना, तब तक दस्तरखान बिछा दो। जी अम्मी। दरवाजा खोलो। इस वक्त कौन आया होगा। दरवाजा खोलो नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। अम्मी जान मुझे लगता है वही लोग हैं। अम्मी जान मेरी बच्ची रुखसाना तुम डरो मत, तुम दोनों जल्दी से इसके नीचे छुप जाओ और चाहे जो हो जाए बाहर मत निकलना, जल्दी छुप जाओ। कौन हो तुम लोग, निकल जाओ मेरे घर से। तुम जैसे आतंकवादियों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। हम आतंकवादी नहीं जिहादी है, सैनिक है, और अगर ज्यादा आवाज की तो सारी गोलियां तुम्हारे मुंह में उतार दूंगा। सैनिक खुले मैदान में लड़ते हैं, बंद कमरों में बंदूक का खौफ आतंकवादी दिखाते हैं।
हमारा खौफ तो तू अब देखेगा। तेरी बेटी रुखसाना कहाँ है? बुरान, उस रुखसाना को बाहर ले आओ। अंदर कोई नहीं है। पता कहाँ छुपा के रखा है? हम मर जाएंगे, लेकिन तुम जैसे आतंकवादियों को अपनी बेटी तक कभी नहीं पहुंचने देंगे। अब भी वक्त है, चले जाओ यहाँ से, खुदा की इबादत करो, अपने गुनाहों की तौबा करो। चुप! हिंदुस्तान के लोगों की तबाही ही हमारी इबादत है। पता कहाँ छुपा के रखा है? पिछली बार बच गई थी, इस बार नहीं बचेगी। बोल। तुम जैसे नापाक आतंकवादियों से बहुत दूर है मेरी रुखसाना। लगता है जन्नत जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है इसे, बूंद से गोलियों से। देखो बेटा, हम एक ही कौम के। देखो मैंने बंदूक भी डाल दी। देखो तुम बहुत एक बहादुर इंसान हो। सुनो, तुम हमारे रास्ते पर चलो। हमारा रास्ता जिहाद का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है। देखो देखो, देखो। आज वो सिर्फ मेरे घर में ही नहीं, मेरे मुल्क हिंदुस्तान में भी घुस आए थे। और आज मैंने उन्हें ये बता दिया कि जिस मुल्क में मेहमानों को इतनी इज्जत दी जाती है, उस मुल्क में घुसपैठियों का क्या हश्र होता है। कश्मीर की ये सरजमीं हमारी माँ है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का ताज है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। इस तरह रुखसाना की हिम्मत के आगे आतंकवादियों को भी झुकना पड़ा। रुखसाना ने न केवल अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा की, बल्कि पुलिस की मदद करके बाकी आतंकवादियों को ढूंढने में भी उनकी मदद करी। भारत सरकार द्वारा रुखसाना को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। भारत की इस बहादुर बेटी को इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज का ये मंच नमन करता है। मैं बता दूं सब लोगों की, रुखसाना की उम्र सिर्फ 20 साल की थी जब उन्होंने टेररिस्ट को मार गिराया था। जोरदार तालियां हो जाए, वो हमारे बीच में आज उनके साथ उनके भाई और रुखसाना मौजूद है। दे आर द रियल हीरोज यार। थैंक यू सो मच आप यहां पर आए। एंड यस प्लीज। थैंक यू सो मच।
जो छोटे बच्चों ने रुखसाना जी आप बहुत भावुक हो गई हैं। हम जरूर सुनना चाहेंगे आपके मुंह से कुछ। थैंक यू सो मच। जो अभी छोटे बच्चों ने जो किया है उन्होंने मेरा रोल ही किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली जब हमारे घर में उग्रवादी जब दाखिल हुए थे तो 27 सितंबर 2009 की बात है, तो ऐसे हमारे घर में घुस आए तो मैं पहले से ही छुप गई थी। उसके बाद जब मम्मी को पूछने लगे, मम्मी पानी देने लगे, मम्मी को मार गिराया नीचे, उनको मम्मी के नाक से खून चलना लगा। तो उसके बाद जब पापा आगे बढ़े तो उन्होंने पापा को मारना शुरू किया। उसके बाद इशारे से मैंने इसको कहा कि कुछ ना कुछ करते हैं। इसने उठाई कलहाड़ी तो पीछे से जब मैं आई तो एक को पहले से कंधा काट गया था, तो दूसरे को जैसे हमने पकड़ा तो बस कलहाड़ी के साथ काटा और उनकी ही वेपन छीनकर उन दोनों को मार गिराया। और फिर हमने बड़ी होशियारी के साथ अपने मम्मी पापा को और अंकल के परिवार को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ भाग बढ़े और हम अपने जीत हासिल कर ली, उनकी हार हो गई। क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात। आप सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है आप। अपने देश को आगे रखकर निडर होकर जिस तरह से आपने उन आतंकवादियों का सामना किया और आज भी कर रही हैं यूनिफॉर्म पहनकर, वाह क्या बात। जिस हिंदुस्तान की आप जैसी बेटियां हैं उसका कोई दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय हिंद। मैं आप लोगों को बता दूं कि रुखसाना अभी भी पुलिस प्रोटेक्शन में, क्योंकि अभी भी आतंकवादी लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। सो सीरियसली हैट्स ऑफ टू व्हाट यू आर डूइंग, सीरियसली। एक्चुअली मुझे तो इतना डर तो नहीं है, क्योंकि जब इंसान निकल पड़ा है कांधे पे तलवार रख के तो फिर इंसान को आपने कुछ ना कुछ सामना करना ही पड़ता है। अगर झुक जाएगा वो मर जाएगा, और आगे निकलेगा वो जीत पाएगा। हमेशा हमारी ही जीत होती है और जीत होती रहेगी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो मदर है वो कश्मीर से है, तो मैं भी हाफ कश्मीरी हूँ। सो आपने जो स्टोरी बताई हम सबके साथ शेयर की, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं बहुत सारे घरों में जहाँ पे घुसपैठी टेररिस्ट आ जाते हैं और आम लोगों को तंग करते हैं, उनको परेशान करते हैं। बट जैसे आपने हौसला दिखाया और आज भी दिखा रही हैं, इससे उन सब लोगों को जो इस वक्त उन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनको और होप और प्रेरणा मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं अभी भी मेरे कांधों में उतना ही दर्द है, फिर भी मैं उनके साथ डट के मुकाबला कर सकती हूँ। मुझे फिर भी दर्द है कि मैं अपने देश के लिए जान दे सकती हूँ। क्या बात, क्या बात। ये एक्ट इतना परफेक्ट था, सब लोगों ने इतनी सिंसियरिटी से एक्टिंग की कि आपने हमें बता दिया कि उस कश्मीर घर में ऐसा कुछ हुआ होगा तो क्या फील कर रहे होंगे आप लोग। It felt so real. I love this. You know, दुनिया देखेगी आपकी स्टोरी एंड सब लोग जान लेंगे कि हिम्मत से आप आगे बढ़ सकते हो और कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। एंड फॉर दिस आई वॉन्ट टू स्टैंड अप एंड गिव यू अ सल्यूट अगेन। यू आर फैंटास्टिक। आज आपने हमको प्राउड फील कराया है, इंस्पायर किया है एंड हमें पता है हमारा भारत देश एक सेफ देश है बिकॉज ऑफ people like you. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। And बच्चों देखो ये हमारी फ्यूचर है और आपको इनकी तरह बनना है। मैं आप लोगों को बुलाना चाहूंगा ताकि आप इन्हें जनहित मेडल एंड सर्टिफिकेट से फेलिसिटेट करें। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू। वतन। अगर आप भी जानते हैं ऐसे ही किसी अनसंग रियल लाइफ के हीरो को जो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं तो response@zslgroup.com पर हमें भेज दीजिए उनकी कहानी। उनमें से कुछ चुनिंदा कहानियों को हम इस शो का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। ओके सो जजेस अब बारी आ गई है होमवर्क की। सो बताइए किसे मिलेगा आज होमवर्क।
उमा विवेक, इंडिपेंडेंस डे है यार। हाँ यार, ये होमवर्क से आज फ्रीडम आज मिलना चाहिए। होमवर्क से फुल ऑन फ्रीडम। आज कोई नहीं जाएगा घर पर। फैंटास्टिक भाई, आज सबको मिल गया है होमवर्क से फ्रीडम। जोरदार तालियां हो जाए। वेरी नाइस। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। नो होमवर्क, सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे।